देवास जिले में हृदय संबंधी जांचों के लिए अमलतास अस्पताल में कैथ लैब का शुभारंभ किया गया। उक्त जानकारी देते हुए अमलतास अस्पताल प्रबंधक विजय जाट द्वारा बताया गया कि आयोजित एक कार्यक्रम में देवास विधायक गायत्री राजीव पवार के द्वारा कैथ लैब का शुभारंभ किया गया है। जिस कार्यक्रम के दौरान संस्था की होनहार विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। इसमें सबसे पहले मुख्य अतिथि का स्वागत संस्था के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया और चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के द्वारा किया गया। इस लैब में एंजियोस्प्लास्टी, पेसमेकर प्रत्यारोपण, आरपीएफ प्रोसीजर, इन्फ्लास्ट्रेशन, कार्डियोलॉजीग्राफी, टीएमडी व होल्डर जैसी जटिल प्रक्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं। एंजियोप्लास्टिक एवं सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें हृदय की मांसपेशियां तक रक्त की आपूर्ति करने वाली नाड़ियों को खोला जाता है। वहीं चिकित्सा की भाषा में इन नाड़ियों को कॉरिनरी ऑर्टरी कहते हैं। इसमें ब्लॉकेज को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। की जरूरत पड़े तो एंजियोप्लास्टी, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है बाईपास सर्जरी की तो वो भी उपलब्ध है यहाँ पे। पेसमेकर फिट करने से लेकर सारी सुविधाएं हार्ट पेशेंट्स के लिए यहाँ पे अब उपलब्ध होंगी। देवास के लिए इसलिए मैं बहुत बड़ी सौगात मानती हूँ क्योंकि हमेशा अभी तक हमारे पास इंदौर भागना ही एक ऑप्शन होता था। अब एक और बहुत घर के पास में, यानी एक घंटा दूर ना जाते हुए हमारे पास में ही बिल्कुल लगा हुआ अमलतास हॉस्पिटल है जिसमें ये सुविधा देवास वासियों के लिए उपलब्ध होगी। तो आप लोगों द्वारा मैं आपके माध्यम से पूरे भदौरिया परिवार को, अमलतास परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगी और बहुत बहुत शुभकामना।